हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव स्वागत करता हूँ आपका जीके बास्केट में। ये तो आपने सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और बिना कठिनाई के नौका पार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अभी अभी 8 अप्रैल, ठीक है, यानी कल यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चंस आए। अगर हम सेंसस को निकाल लें, अगर मैं बात करूं सेंसस मतलब जनगणना की बात करूं 2011 की, अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं, अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं, 2011 जो सेंसस है उससे कई सारे क्वेश्चंस आए, अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो हमारा 22 क्वेश्चन बनता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें स्टेटमेंट दी रहे हैं 1 2 3, आपको बताना है ए सही है, बी सही है या ए सी सही है, इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस मिला है, यानी ए या बी या सी या डी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोज भी देखी होंगी और हमारा जीके वास्केट ने भी कुछ वीडियोज बनाई थी करंट अफेयर्स की, और उन्हीं कुछ वीडियोज में मैं आपको बता दूं कि जो मैं T20 प्रोग्राम चला रहा था, साथ में मैंने घटना चक्र के भी आपको वीडियो बना के दिया, और फिर लास्ट टाइम मैंने रिवीजन का वीडियो दिया था जिसमें मैंने 250 क्वेश्चंस दिए थे। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस सीधा सीधा आया है जीके बास्केट से। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए ये बात बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल वॉच नहीं किया है मेरा, तो प्लीज आप लोग बस एक बार चैनल वॉच जरूर कीजिएगा, आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलेगा। तो उसको मैं आपको प्रूफ से बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा उसके सोर्स कहाँ थे, कब मैंने पढ़ाया था, और उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके उस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं देर ना करते हुए। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आया था, कौन सा देश 24 शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा। आपको अच्छे से पता है अभी प्योंगचंग में हुआ था, और ये पूछा 22 यानी 18 में हुआ, आप 22 में कहाँ होगा, तो ये इसका आंसर क्या था, चाइना। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी, दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो विच कंट्री विल होस्ट द 24th विंटर ओलंपिक 2022, तो इसका मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पार्ट 5 जो वीडियो है, उस पार्ट 5 वीडियोज में आप जाके ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आप यहाँ पे अगर एक पॉइंट देखते हैं तो ओलंपिक्स विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन 2002 बीजिंग चाइना। तो फ्रेंड्स, सीधा सीधा क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 5, तो आप वीडियो जाके वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, या फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आंसर क्या हमारा, न्यू दिल्ली हमारा आंसर है। तो इसका भी ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने 250 क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में दिया था, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मार्च 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन, तो यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या था, न्यू दिल्ली। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया है क्या इसका क्या है आंसर, इसका न्यू दिल्ली आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपने देखा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन 2017। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इसको भी क्वेश्चन को भी मैंने 250 जो आपको क्वेश्चन दिए थे उनमें ये भी क्वेश्चन शामिल होता है, तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर आंसर दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2017-18 का था, वर्ष में 2016-17 में भारतीय निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाली, यानी एक्सपोर्ट में, ठीक है, सर्वाधिक योगदान देने वाली कमोडिटी कौन सी है। तो पहली आप देख रहे हैं क्या, इंजीनियरिंग वस्तु है, ठीक है, और ऑप्शन भी अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, इंजीनियरिंग वस्तु है, दिख रहा है ना, तो आंसर क्या था, बी इंजीनियरिंग वस्तु है। ठीक है, तो यहां भी मैंने आपको दिखाया प्रूफ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द इंडियन जिमनास्ट हु क्रिएटेड हिस्ट्री इन फेब्रुवरी 2018 बाय विनिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन जिमनास्टिक वर्ल्ड कप, इन जिमनास्टिक वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन में क्या है, अरुणा बुद्धा रेड्डी, अगर हिंदी में पढ़ते तो उस भारतीय जिमनास्ट का नाम बताएं जिसने फरवरी 2018 में जिमनास्ट विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो भाई देख लीजिए, ये T20 सीरीज मैंने जो चलाई थी, इस T20 सीरीज में आप पार्ट 8 में इसको देख सकते हैं, यहां पर लिखा है फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन जिमनास्ट वर्ल्ड कप, आंसर क्या है, अरुणा बुद्धा रेड्डी। ठीक है, तो ये तीसरे ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन क्या है, नेम द फर्स्ट इंडियन विमन फाइटर फाइटर पायलट हु क्रिएटेड हिस्ट्री वाई फ्लाइंग सोलो
फाइटर प्लेन मिग 21 वायुसेन, ठीक है। तो इसमें देखो मिग 21 वायुसेन लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी। मैंने क्लास में ही बताया अभी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप यहां पर दे सकते हैं, ये हमारा पार्ट 8 में ये भी है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अवनी चतुर्वेदी लिखा हुआ है, बिकेम फर्स्ट पायलट टू फ्लाई फाइटर प्लेन, और मैंने बताया था मिग 21। तो गाइस देख रहे हैं इसका आंसर भी सीधा सीधा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं कि 21 फीफा विश्व कप 2018 किस देश में संपादित होगा, यानी इस ईयर हो रहा है, तो बताना आपको कहाँ पे? रसिया। मैंने बताया था कि इटली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखोगे तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ये मैंने बताया था आपको 100% को, यानी पार्ट 2 में जो हमारा T20 प्रोग्राम चल रहा है उसका पार्ट 2 में आप यहां पे देख सकते हो कि लिखा है फीफा वर्ल्ड कप 2018 गोइंग टू बी हेल्ड कहां पर? रशिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप पार्ट 2 में मेरा T20 जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन आप देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? यानी अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री अंडर फॉरेस्ट कवर? तो जरा देख लीजिए इसका आंसर 21.54 है, और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बताया भैया जब मैं हिंदू का सीरीज चला था हिंदू में पढ़ा रहा था मैं, तो 21.53 देख रहे हैं आप, क्या 21.53 आप देख रहे हैं? तो आंसर क्या हमारा 21.53 यानी 54 ये हमारा आंसर होगा, समझे ना। तो देखो आप यहां पर सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल रहा है यहां पे, समझे ना। यहां पे आप देख सकते हो यहां लिखा है कितना 21.53। ओके चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ढेर आप कथन दिया गया वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया है, तो ये बिल्कुल गलत था, ठीक है। क्यों गलत था? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां से पता लग जाएगा आपको। इसलिए गलत था क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि अकॉर्डिंग टू बजट फिजिकल डेफिसिट 2017-18 कितना होगा 3.2। तो जब 17-18 का जो मैं आंसर दे रहा हूँ 3.2, और इसमें क्या दे रहा है? इसमें दे रहा है आपको क्वेश्चन का 2017-18 3.5, तो पहला तो गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या था, यानी लक्ष्य जो रखा था 2018-19 में 3.3 और 2021 में 3.1, इस तरीके से ये लक्ष्य उन्होंने रखा था, और उसके बाद 2.8 था 23 में। तो इस तरीके से उन्होंने लक्ष्य रखा था, तो आंसर क्या था हमारा 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल रहा है सीधा सीधा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा उसको देखेंगे हम लोग। 100% सौर ऊर्जा चलने चला सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दमन दीव, ठीक है। यानी द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखो, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं दमन दीव ये लिखा है, यानी जो मैं आपको 250 क्वेश्चन दिया था मैंने उसका फर्स्ट पार्ट में आप 50 क्वेश्चन पे जाके पढ़ सकते हो 100%। यहां पे दिख भी रहा है फुल लास्ट रिवीजन करंट अफेयर हिंदी में दिखाया है यूट्यूब में, ठीक है। तो 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला संघ शासित प्रदेश क्या है? दमन दीव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डायरेक्ट यहां से मिला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा आया है, भारत को वर्ष 2017-18 अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाले देश कौन सा देश था? आंसर क्या है? इराक। आंसर क्या है? इराक। तो अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच वॉज द हाइएस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग 2017-18 आंसर इज इराक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, मैंने 250 जो मेरे सीरीज चलाया था उसमें ही सीधा सीधा आप यहां पर देख सकते हैं भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश कौन सा है, वो इराक। आंसर क्या होगा? इराक। तो देखो फ्रेंड्स इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर मिला इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या है? ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भारत ये इसको होस्ट कर रहा है, मैंने ये भी बताया था। अब कह रहा है कि इसकी थीम क्या है, तो जब मैं पढ़ा रहा था ये आप देख सकते हैं पार्ट 8 में जब मैं पढ़ा रहा था, तो इंडिया विल बी द ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, साथ में थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब हमारा आपको बता दूं कि 11 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन आया है आपका सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो इस क्वेश्चन को मैं भी मैंने पढ़ाया था लेकिन मुझको सोर्स नहीं मिल पा रहा है मेरे को, मैंने काफी सर्च किया नहीं मिल पा रहा है, तो बता दूं आपको ये भी मैंने पढ़ाया। तो टोटल 12 क्वेश्चंस सीधा सीधा मेरे नोट्स से आया, मेरी वीडियो से आया फ्रेंड्स। तो मैं जितना भी आपको दूंगा वो रिलीवेंट मटेरियल दूंगा आपको। तो अगर यार रियली आपको हमारा रिलीवेंट लगता है कंटेंट तो आप आइएगा हमारे साथ यहाँ पर पढ़िएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो हमारा और करेंट अफेयर्स
स्पेशली मैं बराबर आपको पार्ट चला रहा हूँ कि पार्ट 9 तक मैंने T20 अपलोड किया फ्रेंड, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको जो भी एग्जाम होंगे, समझे ना। तो फ्रेंड्स मेरे जीके बास्केट साथ आप बने रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। और आपको मैंने प्रूफ शायद दिखाया कि हम कोई बड़ी बात नहीं करते हैं कि 100% हमारे में से आया, 90% हमारे में से आया, हम ट्राई करते हैं आप लोग के साथ जस्टिस करने का कि जितना भी मैं पढ़ाऊँ उतना आपके एग्जाम में आना चाहिए फ्रेंड्स, समझे ना। तो आप देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अगर ये वीडियो देखा होगा तो उनका बिल्कुल उन्होंने क्वेश्चंस किए होंगे। एंड गुड लक टू ऑल कि आप लोग एग्जाम में पास हों, आप लोग मेंस की तैयारी करें, और 23 जून यानी 23 जून को जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स हैं तो उनके लिए भी मैं सीरीज चलाता रहूंगा। और साथ में ALP रेलवे और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ, और प्लीज यार सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर ही मेरे को मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स, प्लीज। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।